हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 जून दिन रविवार, संडे हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद दो दिवसीय दौरे पर काहिरा पहुंचे और यहां 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा हुई। पीएम मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले और एक महिला ने ये दोस्ती हम नहीं वाला गाना भी सुनाया। और अपनी अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बीच पीएम मोदी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया भारतीय लोगों के लिए कि अब अमेरिका में ही रिन्यू होंगे H-1B वीजा। पीएम मोदी बोले कि आपसे मिलना स्वीट डिश जैसा है। वहां की एक सिंगर मिलबेन ने हमारे भारतीय राष्ट्रगान को गाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर भी छुए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा भारतीय लोगों को फायदा ये होगा कि अब H-1B वीजा जो है ना वो अमेरिका में ही रिन्यू हो जाएगा। और इसके अलावा भी बंगलुरु अहमदाबाद में कंसुलेट्स खोले जाएंगे। प्रवासी भारतीयों से पीएम मोदी ने ये वादा किया। वहां सिंगर के गानों समेत मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा मिस्र। पीएम मोदी से मिलकर मंत्रमुग्ध हुए प्रवासी भारतीय। अच्छा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी मुलाकात के दौरान सुंदर पिचाई ने भारत के लिए घोषणा कर दी है वो भारत में $10 अरब का निवेश करेंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। गूगल कंपनी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और भारतीय रुपयों में देखा जाए दोस्तों तो ये निवेश लगभग 82,000 करोड़ का बनता है जो कि गूगल कंपनी करेगी भारत के डिजिटाइजेशन में। और दोस्तों, इस दौरे के दौरान ना सिर्फ गूगल ने बल्कि अमेज़न ने भी भारत में निवेश की घोषणा की है। दोनों कंपनियां कुल मिलाकर के लगभग 3,00,000 करोड़ निवेश करेगी। गुजरात में ग्लोबल सेंटर बनाया जाएगा और अमेज़न कई लोगों को नौकरियां भी देगी, छोटे बिजनेस को भी सपोर्ट किया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी कंपनियों ने माइक्रोसॉफ्ट समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। कुल मिलाकर के पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान 10 ऐसे बड़े समझौते हुए हैं अमेरिकी यात्रा के दौरान जिनका फायदा भविष्य में आगे जाकर भारत और अमेरिका दोनों को मिलने वाला है। फिर चाहे भारी भरकम डिफेंस डील हो, मेगा चिप फैक्ट्री गुजरात में जो लगाई गई वो हो, नए वीजा नियम समेत मैंने आपको बता दिए। और भी दोस्तों, अगर इस पर डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं कि सभी 10 बड़े फैसले क्या रहे तो मैं आपको आज दिन में DLS न्यूज के ऊपर अलग से डाल दूंगा एक वीडियो में, देख लीजिएगा ना। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी भारत की मदद के लिए बड़ी घोषणा की गई है भारत में बेहतरीन तकनीकी शिक्षा के लिए। वर्ल्ड बैंक ने $255 मिलियन के लोन को भी मंजूरी दे दी है जो कि आने वाले 5 साल में पूरे देश में 275 सरकारी संचालित तकनीकी संस्थानों की मदद करेगा इस लोन के माध्यम से वर्ल्ड बैंक, है ना। अच्छा, वही खबर है कि देश में जल्द ही शुरू होगी पासपोर्ट सेवा 2.0। नई पासपोर्ट में नए और उन्नत ई पासपोर्ट शामिल होंगे। कल ही पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही चिप वाले ई पासपोर्ट का प्रोग्राम शुरू होगा और पासपोर्ट बनाने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हाल ही में आपको बताऊंगा 2,000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी RBI ने। तो देखिए अब आंकड़ा आ रहा कि 2,000 रुपए के 72% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं जिनकी कुल वैल्यू 2,62,000 करोड़ रुपए बनती है। हालांकि अभी भी आपके पास मौका है, 30 सितंबर तक आप अपने पास उपलब्ध 2,000 रुपए के नोटों को बैंकों में जाकर बदलवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अक्टूबर से पहले पहले बदलवा ही लें, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, पहलवानों और ब्रिजभूषण के मामले पर अपडेट आ रहा है। विनेश साक्षी और बजरंग पुनिया बोले कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, 4 सीट की कॉपी का इंतजार है, ब्रिजभूषण को जेल भिजवा कर रहेंगे, ट्रायल में छूट नहीं मांगी। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए आप। केदारनाथ मंदिर से 23 किलो सोना चोरी हो गया। जो चार धाम यात्रा में आते हैं ना केदारनाथ धाम, उन्हीं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ये चोरी की बड़ी घटना देखी गई। तीर्थ पुरोहित बोले कि दीवारों पर गोल्ड की जगह केमिकल पॉलिश किया गया। अब सरकार ने इस पर जांच कमेटी भी बिठाई है चोरों का पता लगाने के लिए। यानी ये जो सोना चोरी हुआ ना, ये मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर परत के रूप में लगाया गया था जिसे मुंबई के एक व्यापारी ने दान में दिया था। हाल ही में मैंने आपको बताया था इसके बारे में अपडेट भी। तो उस दीवारों की परत पर चढ़ा हुआ सोना उकाल कर ले गए चोर और उसकी जगह केमिकल पोत गए। ये देख सकते हैं आप, मंदिर के गर्भगृह में पूरा स्वर्ण मंदिर की तरह सोने से बना हुआ है। अच्छा, वैसे एक और अपडेट आना कि आने वाले सावन महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन भी महंगे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अब आपको 300 रुपए की जगह 500 रुपए देने होंगे और सोमवार को तो 750 रुपए चार्ज लगेगा। मंगला आरती का शुल्क भी दुगुना कर दिया है क्योंकि सावन के महीने में तो भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में काफी भीड़ बढ़ जाती है ना, तो इसीलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये रेटें बढ़ाई गई हैं। ये नई रेट लिस्ट भी बना दी है सभी अलग अलग कामों के लिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। अच्छा, फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। नेपाल में लगा हिंदी फिल्मों पर बैन हटा दिया गया है। आदि पुरुष फिल्म को छोड़कर सारी हिंदी फिल्में अब दिखाई जाएगी। नेपाल की कोर्ट ने कहा कि फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं। नेपाल में कुछ जगहों पर बॉलीवुड फिल्मों पर लगे बैन को वहां की कोर्ट ने हटा दिया है। हालांकि अभी भी आदि पुरुष फिल्म पर रोक बरकरार है। वैसे दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म का कलेक्शन भी अब काफी कम हो गया है। यानी जब से फिल्म की असलियत का लोगों को पता चला उसके बाद
बाद फिल्म को देखना ही छोड़ दिया। देखिए आप कल शुक्रवार का कलेक्शन तो मात्र 3.25 करोड़ ही रहा। कई थिएटर मालिकों का कहना है कि हमारा नुकसान हो रहा है, जल्द इस फिल्म को उतार दिया जाएगा। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा 200 बीघा में बागेश्वर सरकार का पंडाल, दिल्ली वाले भी यहां दर्शन कर पाएंगे। दरअसल सनातनियों के लिए आस्था का केंद्र बन चुके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लगने जा रहा। धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा 10 जुलाई से शुरू होगी जो कि 16 जुलाई तक के बीच रहेगी, जिसके लिए भव्य तैयारियां भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 200 बीघा में बड़े लेवल पर मंच तैयार किया जा रहा। अच्छा वही खबर है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट हब भी बन चुका अवध विश्वविद्यालय, और अब युवाओं के लिए रोजगार के मौके और बढ़ेंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए, सरकार ने कोल इंडिया कंपनी के गैर कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में भी 25% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कब से ये वेतन बढ़ोतरी होगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से बंद होगी खदानें, रेत फिर महंगी होगी। 1.5 महीने में कीमतों में काफी बढ़ोतरी भी हुई है। 1 जुलाई से ही मध्य प्रदेश की सभी रेत खदानें 3 महीने के लिए बंद हो जाएगी क्योंकि बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसके बाद रेत फिर से महंगी होगी। अभी क्या रेट चल रही जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है, सरकारी अधिकारियों को वापस टोल देना ही पड़ेगा। हाल ही में आपको बताऊंगा, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए टोल टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी और उस प्रस्ताव को NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा था, लेकिन NHAI ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, यानी कि पंजाब सरकार के कर्मचारियों को वापस टोल टैक्स देना ही होगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पंजाब चंडीगढ़ में पहुंचे और उन्होंने कहा कि पंजाब केंद्र की प्राथमिकता है। वो बोले, जुगनुओं ने शराब पी ली है, सूरज को भी गाली देंगे। पाकिस्तान में आतंकियों को मारकर मजबूत भारत का संदेश भी दिया, ये कुछ चर्चाएं हुई। अच्छा वहीं गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन श्रीनगर पहुंचे और वहां श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास भी किया। राजनेताओं से मुलाकात कर दोपहर में दिल्ली लौटे, 2 दिन के दौरे पर है जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह, है ना। अच्छा वही देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का टेस्ट हुआ, युद्धाभ्यास मतलब सुखोई और मिराज ने टच एंड गो अभ्यास किया और 12 किलोमीटर का एरिया भी सील किया गया इनकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा भूकंप पर भी बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर भारत में 1 ही महीने में 4थी बार भूकंप आया। हरियाणा के रोहतक में था इस बार ये भूकंप का केंद्र, हरियाणा समेत पंजाब चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली में भी इसके झटके महसूस हुए हैं, ये देख सकते हैं नक्शे पर तस्वीर आप। अच्छा वही अगला अपडेट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 26 तारीख को उदयपुर आएंगे, उनका कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। यहाँ वो किसान महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और उदयपुर के सलूम्बर में जनसभा का आयोजन भी करेंगे, रात्रि विश्राम डूंगरपुर में करेंगे। वहीं अब राजस्थान में 125 तहसीलों से तैयार होंगे 15 नए जिले, राजस्व विभाग ने इसकी नई रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और 30 जून तक इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। अच्छा इसके अलावा 26 जून से किसानों का संभाग स्तरीय मेला भी आयोजित होने जा रहा, जिसको CM खुद उद्घाटन करेंगे, ना मैंने आपको बताया राजस्थान में। और दोस्तों इस महोत्सव के जरिए किसान भाई लोगों को खेती से जुड़ी नई नई तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा। 26 और 27 जून को उदयपुर संभाग में ये किसान महोत्सव मेले का आयोजन होगा। और वहीं राजस्थान में रेलवे ने भी बड़ी घोषणा कर दी है, रेलवे के अमृत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट के लिए 272 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिनके जरिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा रेलवे, पहले फेज में ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और वहां बोले कि हेमा मालिनी सिर्फ अभिनेत्री होती तो क्या मिल पाते, अब आम आदमी भी उनसे मिल सकता है। मथुरा में उन्होंने 208 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आम लोग भी VIP लोगों से आज उत्तर प्रदेश में मिल पा रहे हैं। CM योगी ने 9 साल की उपलब्धियां गिनाई उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की और बोले कि मथुरा को जल्द ही मिलेगी वाटर वे और एयरपोर्ट की सुविधा भी। अच्छा वहीं दोस्तों, रेलवे की तरफ से गोरखपुर से मुंबई के लिए भी 2 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, छपरा LTT वाया गोरखपुर और गोरखपुर बांद्रा ट्रेन चलाई जाएगी, इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। अच्छा वैसे रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नया नियम भी लागू कर दिया है, अब अगर रेलवे कर्मचारी लेट सेट ऑफिस पहुंचे ना तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, इस संबंध में एक नया आदेश भी जारी कर दिया रेलवे ने। रेलवे बोर्ड ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जो कर्मचारी देर से आते हैं और जल्दी अपने घर के लिए निकल जाते हैं ना, तो उन कर्मचारियों को ताजा आदेश जारी करते हुए कहा गया कि वे सुबह 9 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंचे तो आधे दिन की कैजुअल लीव यानी कि छुट्टी लगा दी जाएगी और इससे उनकी सैलरी भी कट सकती है, उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। ये मतलब इंडियन रेलवे की तरफ से अपने सभी कर्मचारियों के लिए सख्त हिदायत और अधिसूचना जारी की गई है, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, तेलंगाना में आदिवासियों के घर का सपना होगा साकार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने आदिवासी लोगों के लिए अपने अवैध घरों को और बंजर जमीनों का मालिकाना हक देने की घोषणा की है। जल्द ही CM चंद्रशेखर राव आदिवासी समुदाय के लिए जमीन भूमि मकान वगैरह वितरित करेंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, समुद्र में पाकिस्तान
पाकिस्तान और चीन की चालबाजी को सबक सिखाएगा भारत। भारत ने एक नया तोड़ निकाला है और वो ये हाल ही में आपको बताऊंगा, अमेरिका और भारत ने 31 MQ-9B ड्रोन की डील की थी जिसकी कीमत लगभग $3 बिलियन मानी जाती है। तो इनमें से 18 भारतीय नौसेना के लिए होंगे। नौसेना पहले ही अमेरिका से लीज पर लिए हुए 2 सी गार्डियन को ऑपरेट कर रही है और अब तो भारतीय नौसेना के पास 9 इस तरह के 9B ड्रोन अवेलेबल होंगे। तो जाहिर सी बात है, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चालबाजी का पलक झपकते ही खुलासा हो सकेगा भारत के द्वारा। भारत लगातार अपनी समुद्री सुरक्षा को भी अब मजबूत कर रहा है। अच्छा चलिए दोस्तों, अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक भी DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि देश भर की तमाम बड़ी खबरें और रोजाना के मुख्य समाचार आपको इस DLS न्यूज चैनल पर मिल जाते हैं। और आप चाहे तो अपने DLS भाई के लिए एक लाइक तो कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको खबरों में। देखिए आप मौसम अपडेट में खबर आ रही है कि मुंबई में अगले 48 घंटे में मानसून दस्तक दे देगा। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से देश के कई जगहों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे पंजाब हरियाणा दिल्ली में भी तेज बारिश के आसार हैं और अगले सप्ताह तक देश के अधिकतर राज्यों में प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। देखिए राजस्थान में लगातार 4 दिन बारिश की चेतावनी, 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। जोधपुर और बीकानेर में तेज गर्मी और उमस सताएगी। तो वहीं हरियाणा में भी मानसून आने की डेट तय हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 जून तक हरियाणा में मानसून की एंट्री हो जाएगी, लेकिन आज और कल से ही प्री मानसून बारिश की शुरुआत तो अभी हो जाएगी। हालांकि किसान भाई लोगों को इसका फायदा होगा। हरियाणा के कई जिलों में अगले 2 दिन झमाझम बारिश की चेतावनी का येलो अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग ने। पंजाब में भी आज बारिश के आसार हैं। 26 जून को मानसून की एंट्री होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान समेत 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। मध्य प्रदेश में भी मानसून देरी से पहुंचा। असम के 19 जिलों में बाढ़ से हालात खराब चल रहे, 1500 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप असम की कुछ तस्वीरें। 16 जिले असम राज्य के अभी बाढ़ के चपेट में हैं और अभी तो खतरा और बढ़ गया क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। 5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं इस बाढ़ की वजह से। वहीं हिमाचल में भी देखिए भारी बारिश से तबाही सी मच गई। बुजुर्ग सहित 18 बकरियां सतलुज में बह गई, दर्जनों गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। अच्छा बिहार के लोगों को अच्छी बारिश के लिए अभी 8 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हल्के बादल छाए रहेंगे सभी जिलों में। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश चल रही है। आकाशीय बिजली गिरने से भी 3 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में आज मानसून एंट्री कर लेगा। तो वहीं पंजाब राज्य में 10 जुलाई तक पहुंचेगा मानसून और उत्तराखंड में देखिए भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड सरकार ने तो ये भी निर्देश जारी किया अधिकारियों और कर्मचारियों को कि 27 तारीख तक अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं करें, क्योंकि भारी बारिश के दौरान अगर किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो आपातकाल के नंबर भी जारी किए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आप 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा सोना। अभी खरीदें या नहीं तो देखिए एक्सपर्ट का क्या कहना है। मार्केट एक्सपर्ट निवेशकों का यह मानना है कि सोने से ज्यादा डॉलर पर भरोसा कर रहे हैं लोग बाग और यही वजह है कि सोने के रेट गिर रहे हैं। अभी सोना 58,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि MC एक्सपर्ट चांदी की दर 68,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। आने वाले समय में गोल्ड कैसा रहेगा तो इस पर भी विशेषज्ञों की क्या राय है जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वही दोस्तों WHO की तरफ से एक और बड़ी चेतावनी जारी की गई है। कोरोना के बाद अब दुनिया पर एक और जानलेवा वायरस का खतरा मंडरा रहा है और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस मामले को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दुनिया में एक साथ कई तरह की बीमारियां फैलने वाली हैं। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना कि अत्यंत हीट यानी कि ज्यादा गर्मी की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण और ज्यादा बढ़ेगा। और WHO प्रमुख ने दुनिया भर के देशों की सरकारों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मौसम के जरूरत से ज्यादा गर्म होने की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। और इस साल मानसून के बाद अल नीनो की भी 4 साल बाद वापसी हो रही है, जिस वजह से भी दुनिया भर में बेहद गर्म मौसम रहेगा। तो इस वजह से कई सारी मौसमी बीमारियां भी बढ़ेगी और मच्छर जनित वायरस और रोग जो है ना वो इस साल काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, मलेरिया डेंगू समेत। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। अच्छा वैसे कोरोना पर भी हमारे देश ने एक और बड़ी उपलब्धि पाली। देखिए आप देश में कोविड के खिलाफ एक और नई mRNA बूस्टर वैक्सीन लॉन्च हुई है और ये वैक्सीन खास तरह के ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी लोगों को सुरक्षा देगी। इसे जेनेवा तकनीक द्वारा स्वदेशी रूप में विकसित किया गया, यानी कि भारत में ही बनाई गई है ये mRNA बूस्टर वैक्सीन। जल्दी इस वैक्सीन को भी लगाने के लिए सरकार डिटेल जारी करेगी। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत अब तक का 5वां कोरोना का टीका है जो भारत में ही डेवलप किया गया है। वैसे अभी सक्रिय मामले देखे हैं भारत में तो 1653 रह चुके हैं, जो कि अच्छी बात है, गिरावट आ रही है ना। और वही दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। UPSC CMS एग्जाम को लेकर खबर है कि 16 जुलाई को होगी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा। UPSC की तरफ से एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिए हैं। अच्छा बिहार में देखिए अब इस तारीख तक बंद रहेंगे पटना के स्कूल। उमस भरी गर्मी की वजह से DM की तरफ से आदेश जारी किया गया और सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 28 जून तक बंद रखने का निर्देश है। वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार 50,000 गांधी प्रेरकों की भर्ती करेगी। RSS से मुकाबला करेंगे, 4500 रुपए हर महीने उन गांधी प्रेरकों को मानदेय भी दिया जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार सत्ता वापसी के लिए हर मुमकिन प्रयास करने जा रही है और इसी के तहत ये गांधी
प्रेरक जो होंगे ना, ये मतलब कांग्रेस की रणनीतियों को लोगों के साथ साझा करेंगे। इनका यही काम होगा, ड्यूटी होगी। अच्छा भाई, हरियाणा में देखिए पीजीटी के 4476 पदों के लिए फिर शुरू हुई भर्ती परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं अगर आप भी, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। तारीखों की डिटेल आप देख लीजिएगा। चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए $15 अरब का अतिरिक्त निवेश करेगी अमेजोन कंपनी। साल 2030 तक कुल $26 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है अमेजोन ने भारत में। पीएम मोदी के यूएस दौरे के दौरान अमेजोन कंपनी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। अब प्रदेश में देसी गाय खरीदने पर 40,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और कैसे आप भी इस योजना का फायदा ले पाएंगे, तो देखिए जरा। योगी सरकार प्रदेश में राज्य गोपालकों की आय बढ़ाने, आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी नस्लों के गायों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए ये सब्सिडी देने की घोषणा की है। देसी गाय के पालने पर 10,000 से 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी अलग से दी जाएगी। आप उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर इस योजना से जुड़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर दिल्ली में ऑल पार्टी की मीटिंग खत्म हुई। 3 मई को इम्फाल में भड़की थी हिंसा। वहीं देखिए बिहार के सरकारी स्कूल अब चकाचक रह सकेंगे, क्योंकि अपनी मर्जी से पैसे खर्च कर सकेंगे प्राचार्य। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के सभी डीएम को पत्र लेकर के आदेश दिया है कि स्कूलों के कोष में बजट पड़ा है, उसके बावजूद भी स्कूल प्राचार्य खर्च नहीं कर रहे हैं, तो अब उन पर कोई लिमिट नहीं होगी कि महीने का इतना करना या साल का इतना करना। उनके पास बजट है तो वो अपनी मर्जी के अनुसार चाहे जितना खर्च कर पाएंगे, है ना। तो अच्छी बात है कि इससे स्कूलों का भी डेवलपमेंट होगा। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है दोस्तों। फुटबॉल SAFF चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। छेत्री और सिंह ने दागे गोल। वहीं बिटकॉइन की प्राइस पर अपडेट आ रहा है कि अभी एक साल के सबसे टॉप पर चल रहा बिटकॉइन। कल का ये लेटेस्ट प्राइस है $31,400 प्रति बिटकॉइन रेट चल रहा है ना। और वहीं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अब RWA की जरूरत नहीं होगी। RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जरूरी शर्त को हरियाणा सरकार ने हटा दिया है ना। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस फैसले के बारे में। अच्छा, निवेशकों के लिए भी अपडेट है। अगले सप्ताह 2 IPO ओपन होने जा रहे हैं। साइएंट DRM और आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी कंपनियां IPO ला रही है। निवेश का मौका आपके पास भी, ये देख सकते हैं आप इस IPO के बारे में ज्यादा जानकारी भी। अच्छा, मैं देखिए उत्तर प्रदेश अयोध्या में पर्यटन की विविधता का विकास होगा। 37 प्रमुख मठ मंदिरों को चिन्हित किया गया। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल लोक में सावन मास में बदलेगी महाकाल मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था। फैसला आज रविवार को आएगा। खबर है कि अब गंगा एक्सप्रेसवे पर होगी आपातकाल में विमानों के उतरने की सुविधा। कई एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी। वहीं दिल्ली में आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का बचा हुआ हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही वाहनों के लिए आश्रम फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। दिल्ली वासियों को जाम से मिलेगी राहत। अच्छा खबर देखिए, US में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में होगी तमिल चेयर की स्थापना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान ये बड़ी घोषणा की है। अच्छा, यूपी के राजधानी लखनऊ में देश का पहला और अनूठा इपको बाजार मदर यूनिट खुल चुका है। लखनऊ में समाज सेवी संस्थानों के लिए बड़ी मदद मिलेगी। इससे 15% छूट की सहायता भी दी जाएगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में अब आपका सफर और ज्यादा आरामदायक होगा। हरियाणा सरकार कई ऐसी बसों को सड़कों पर उतारने जा रही है। प्लान है कि हरियाणा के 11 शहरों में कुल 1600 नई बसें जून अंत तक चालू कर दी जाएगी, है ना। वहीं देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया। क्रेडिट कार्ड नियमों का उल्लंघन के चलते ये बैंकों पर फाइन लगाया गया। हालांकि इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किन किन बैंकों पर जुर्माना लगा आप देख सकते हैं। अच्छा, परसों के दिन 27 जून को झारखंड की रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना से रांची तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 7 बजे खुलेगी ये वंदे भारत ट्रेन, जो दोपहर 1 बजे पहुंचेगी, है ना। और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा अपडेट देखिए आप। 19 साल बाद इस साल सावन में अधिक मास रहेगा। यानी कि दोस्तों इस साल 2 सावन रहने वाले हैं। 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक सावन के ही महीने रहेंगे, क्योंकि मल मास में सूर्य अपनी राशि नहीं बदलता और 3 साल में एक बार आता है ये महीना। और इस साल सावन अधिक रहेगा और इसलिए सावन स्पेशल भी रहेगा। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का फायदा दुगुना मिलेगा। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, वृष राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। सिंह राशि वालों के बिजनेस में भी फायदे के योग बन रहे हैं। तो वहीं कर्क राशि के लोगों की चिंताएं दूर हो सकती हैं। वृश्चिक राशि के लोग अगर लाभ कमाना चाहते हैं तो काम की गति बढ़ाएं, है ना। और वहीं आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल नॉलेज का। देखिए आप, निम्न में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। 4 शहरों के नाम है ये अलग अलग राज्यों में, जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या वाराणसी। विच सिटी कॉल्ड झीलों की नगरी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।